हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है पंचायती राज। इसमें हम लोग जानने वाले हैं किस तरह से गांवों में पंचायत बनाई जाती है, उसके क्या क्या काम होते हैं और उससे लोगों को क्या फायदा होता है। चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग ये जानने वाले हैं कि जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, डिसीजंस किस प्रकार से बनते हैं और रूरल एरियाज यानी गांव में ये कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग ग्राम सभा के बारे में देखने वाले हैं जहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, लोग उसमें भाग ले रहे हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको जवाब दे रहे हैं। तो चलो जान लेते हैं पहले ग्राम सभा क्या होती है। दोस्तों, ग्राम सभा एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें एक जो पंचायत होती है उसके जितने भी एडल्ट जिनकी एज 18 से ऊपर होती है वो सारे भाग लेते हैं। इस ग्राम सभा के अंदर उस गांव के सारे लोग हो सकते हैं या हो सकता है आसपास के गांवों के लोग जो है वो भी उस ग्राम सभा में होते हैं। साधारणतः एक ग्राम सभा में एक ही गांव के लोग होते हैं, तो इसका मतलब जो भी उस गांव में 18 की एज को पार कर चुका है वो उस ग्राम सभा में भाग लेगा और वो उसका मेंबर होगा। ठीक है, ये हमारी हो गई ग्राम सभा। अब ग्राम सभा जो होती है उसमें क्या क्या होता है, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं सरपंच और उसके अंदर मेंबर्स होते हैं और उसके अंदर पंच भी होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिलके ये तय करते हैं, कौन सरपंच और पंच ये तय करते हैं कि हमारा जो गांव है वो किस तरह से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ग्राम सभा के अंदर गांव के सारे लोग होते हैं और वो अपने लिए पंच और सरपंच चुन लेते हैं जो गांव के विकास का जिम्मा या रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। विलेज पंचायत के शासन को आसानी से चलाने के लिए उन्हें छोटे छोटे वार्ड्स में बांटा जाता है और हर एक वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे वार्ड मेंबर या पंच कहा जाता है। और ये सारे लोग जो पंच होते हैं वो मिलके सरपंच को चुन लेते हैं जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। और वार्ड पंच और सरपंच ये सारे लोग मिलके ग्राम पंचायत को बनाते हैं। और ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है। इसका मतलब एक बार जब ग्राम पंचायत चुनी जाती है तो वो 5 साल तक आराम से काम करती है। ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है जो ग्राम सभा का सेक्रेटरी होता है। यह पर्सन इलेक्टेड नहीं होता है लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होता है और इस सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी होता है कि वो ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाता है और ग्राम पंचायत में सारे लोगों को बुलाता है और उसी के साथ साथ में किस प्रकार से विकास हो रहे हैं, किस प्रकार से गांव में कार्य प्रणाली चल रही है, उन सब चीजों का रिकॉर्ड रखता है। तो हमने जान लिया है ग्राम पंचायत के अंदर पंच और सरपंच के अलावा एक सेक्रेटरी भी होता है जिसे लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। एक यहाँ पे सीन दिखाया गया है जिसमें एक विलेजर तीजिया है जो मीटिंग में यहाँ पे कह रही है कि हमारा गांव जो हरदास है वहां पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हमारे जो हैंडपंप है वो ढंग से पानी नहीं दे रहे हैं और उनकी ड्रिलिंग जो है वो नहीं हुई है इसलिए मुश्किल से टैप्स में पानी पहुंच पाता है। लेडीज को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और आसपास के जो मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, हमें कोई ओवरहेड टैंक यहाँ पे बना लेना चाहिए ताकि पानी की सप्लाई हो सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तरीका बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, इसके अलावा हम लोग ये कर सकते हैं, हमारे हैंडपंप्स को हम लोग थोड़ा डीपन कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं और हमारे वेल्स हैं उनको हम लोग क्लीन कर सकते हैं। लेकिन तीजिया कहती है इतना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें इसके साथ साथ में हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना होगा क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल का मतलब होता है कि जब आप जमीन को खोदते हैं तो किस लेवल पे जाके आपको पानी मिलता है वो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है और धीरे धीरे ये जमीन के अंदर जाता जा रहा है और नीचे गहराता हुआ जा रहा है।
एक दूसरा मेंबर है वो कहता है कि मैंने महाराष्ट्र के एक विलेज को विजिट किया था और वहां पे देखा था किस प्रकार से लोग पानी को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं और इसे रिचार्ज भी कर रहे हैं। मैं एक बार महाराष्ट्र में मेरे भाई को मिलने के लिए गया था, तब मैंने इन सब चीजों को वहां पे देखा। वहां पे वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी देता है और मेरे भाई के गांव में सारे लोग ट्रीज को प्लांट करते हैं, चेक डैम्स बनाते हैं और टैंक्स बनाते हैं और सबने सोचा कि ये बहुत ही शानदार आइडिया है, ग्राम पंचायत को इसके बारे में डिटेल से जानना चाहिए और इस पे जरूर विचार करना चाहिए। ग्राम सभा क्या है आपको बताया जा चुका है। ग्राम सभा के अंदर गांव के जितने भी एडल्ट लोग हैं वो सारे मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग आपको बता दी गई है कि सेक्रेटरी इसे बुलाता है। अब ग्राम सभा का जो अगला एजेंडा है वो है बीपीएल लोगों का डिसीजन लेना, उनकी लिस्ट को फाइनलाइज करना। अब बीपीएल क्या होते हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। जैसे ही लिस्ट यहाँ पे सब लोगों को बताई गई तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जो कि गरीब नहीं थे। उनमें से एक व्यक्ति नटवर है जिसके पास टीवी है, मोटरसाइकिल है और दूसरा एक व्यक्ति है उसके पास में भी बहुत सारी लैंड है लेकिन उनका नाम कैसे आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इस लिस्ट में केवल गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। ओम प्रकाश जो कि बेचारा मजदूर है, उसके पास जमीन नहीं है, उसका नाम नहीं है और वो मुश्किल से अपना घर चला पाता है। तो यहाँ पे ये जो नटवर और बिरजू जिनका यहाँ पे इस लिस्ट में नाम आ गया है, जो कि अमीर है, वो अमीर चंद के दोस्त है और अमीर चंद गाँव का एक पावरफुल व्यक्ति है, तो उसके सामने कोई भी नहीं आना चाहता। वह पुराना जमींदार है और उसका अभी भी गांव में बहुत अधिक दबदबा है, लेकिन सरपंच और बाकी लोग समझ जाते हैं कि गांव के लोगों के बीच में फुसफुसाहट है, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। तो सरोज खड़ी होती है कि ओम प्रकाश जो है वो गरीब है, उसका नाम इस लिस्ट में अवश्य ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो सरपंच है वो कहते हैं कि हम जरूर ओम प्रकाश की फैमिली इनकम के बारे में जान लेंगे और उसके बाद में अगर गवर्नमेंट की डिसाइडेड अमाउंट से नीचे वो पैसे कमाता है तो उसका इस लिस्ट में नाम शामिल कर लिया जाएगा। ग्राम सभा की एक मुख्य बात ये होती है, वो ग्राम पंचायत को ये जिम्मेदारी देती है कि वो अपना काम बहुत ही सही तरीके से करे। यह एक ऐसी जगह है जहां पे गांव के सारे लोग मिलते हैं और सही निर्णय अपने गांव के लिए लेते हैं। ग्राम सभा एक ये काम भी करती है कि पंचायत जो है वो किसी भी प्रकार के गलत काम को नहीं कर पाए और पब्लिक का जो पैसा है उसको किसी भी प्रकार से मिसयूज नहीं करे। और ग्राम सभा जो है वो इन लोगों के काम पे नजर रखती है और उन्हें और अधिक जिम्मेदार बनाती है। तो यहाँ पे हमने ग्राम सभा के जो मुख्य रोल है उनके बारे में जान लिया है। ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत के अंदर हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स और अन्य काम आते हैं और इसी के साथ साथ में ग्राम पंचायत जो है लोगों पे टैक्स लगाती है और उन्हें इकट्ठा भी करती है और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है जो कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी भी होती है उनको एग्जीक्यूट भी वो करती है। और उनके पास में ये फंड्स कहाँ से आते हैं, तो उनके पास जो फंड्स आते हैं वो हाउसेज और मार्केट्स पे जो टैक्सेज होते हैं उनसे आते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है उनसे भी उन्हें फंड मिलते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो डोनेशन देते हैं वहां से भी उन्हें फंड मिलते हैं। अब ग्राम पंचायत के बारे में हम थोड़ा और अधिक जान लेते हैं। ग्राम पंचायत की जो मीटिंग है वो रेगुलरली होती रहती है ताकि गांव में जो काम हो रहे हैं वो सही समय पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इस बात का पता लग सके। और कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्राम सभा जो है वो अलग अलग प्रकार की कमेटीज बनाती है, जैसे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कमेटी, और ये कमेटी जो है वो सारे काम को देखती है कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने पिछले पार्ट में हरदास ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा,
अब उसकी समस्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि वास्तव में कुछ सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। हरदास ग्राम पंचायत में जब मीटिंग रखी गई तो पंचों के सामने और सरपंच के सामने पानी का इश्यू रखा गया था और वहां पे सरपंच, वार्ड मेंबर और सेक्रेटरी सब लोग मौजूद थे। अब ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने पहले ये डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे जो हैंडपंप्स है उन्हें डीपन या गहरा किया जाएगा और कुएं को साफ कर दिया जाएगा ताकि गांव के लोगों को पानी की समस्या ना हो। सरपंच जो है उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि हम लोग कुछ पैसा भी लगा सकते हैं ताकि हैंडपंप्स की हम लोग मेंटेनेंस कर सके और उसी के साथ साथ में बचा हुआ जो काम है उसको हम लोग पूरा कर सके। और इस बात पे सारे मेंबर्स और सेक्रेटरी है वो सहमत हुए और सेक्रेटरी ने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। अब यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में बात करने लगे और ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो अगली मीटिंग में इसके बारे में बात करना चाहते थे। कुछ पंच ये भी कहना चाहते थे कि वाटर सेट प्रोग्राम है क्या वास्तव में वो इस वाटर लेवल को उठाने के लिए सब्सटेंशियल या पर्याप्त रहेगा या नहीं रहेगा, और इसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ और अंततः ये पाया गया कि हम लोग जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे कि BDO कहा जाता है उनके पास जाएंगे और इस स्कीम के बारे में और अधिक जानेंगे। यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इसमें पहले लोगों ने यहाँ पे काम किया है और उसके बाद में आप देख सकते हैं उसी एरिया को किस प्रकार से उन लोगों ने वाटर टैंक के रूप में बदल दिया है और उनकी पानी की समस्या सोल्व हो चुकी है। पंचायत के 3 लेवल होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। जैसे कि आप हरदास विलेज में आप देख चुके हैं उसमें पंचायती राज का जो सिस्टम है उसमें आप लोग समझ चुके हैं किस प्रकार से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां रहती है। तो पंचायती राज का पहला जो चरण है वो पंचायत होती है जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है और ग्राम सभा के अंदर सारे गांव के लोग जो कि एडल्ट है वो होते हैं और वो मिलके सरपंच और पंचों को चुनते हैं और उनका साथ एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी होता है वो देता है। और इसी के साथ साथ में पंचायती राज सिस्टम को 2 अलग अलग लेवल्स में और आगे बढ़ाया गया है। पहला है ब्लॉक लेवल जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति के अंदर कई ग्राम पंचायत होती है और पंचायत समिति जो है उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद होती है और जिला परिषद वास्तव में क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाती है और पंचायत समिति की सहायता से ये सभी लोगों को पैसा बांटती है ताकि ग्राम पंचायत अपना काम करवा सके। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइंस दी हुई है उसी के कारण से हर एक स्टेट के अंदर सही तरीके से पंचायतों का कार्य चलता है और इससे सबसे बड़ा विचार ये जुड़ा हुआ है कि इससे लोग जो है जुड़ पाए, अपनी इच्छाओं को रख पाए और अपनी समस्याओं को रख पाए और उनकी हर प्रकार की समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए साथ ही साथ इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।